Let's do question number fifth of exercise 1D, that is real number. Question number fifth is first part. First part mein keh raha hai wo, give an example of two irrational number whose sum is rational. Aise do irrational number ka sum karna hai jiska jo hamara answer aaye wo rational hai. To kaise karenge? To let the number be. Let the number बी हमने पीछे किया था 2 - √3 किया था राइट कि ये इरेशनल है हम प्रूफ कर चुके हैं तो लेट द नंबर बी 2 - √3 एंड अगर मुझे माइनस का रूट थ्री काटना है तो एक प्लस का ले लूंगी क्यों क्यों लूंगी क्योंकि हमें सम करना है राइट सम मीन्स दोनों को ऐड करना है अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी तो देखिए कैसे आता है सम क्या हुआ इसका सम हुआ 2 - √3 एंड प्लस 2 + √3 हो गया राइट अब हमने इसको ओपन किया इसकी जगह √5 भी ले सकते थे √6 भी ले सकते थे कुछ भी ले सकते हैं तो ये आ गया √3 + 2 + √3 अब ये √3 एक प्लस का एक माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आ गया 4 इज द आंसर लेट्स डू सेकेंड पार्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल whose product is rational हमें ऐसे दो numbers लेने हैं जिनका product क्या है rational है तो हम इसी दो number को ले लेते हैं क्योंकि दो irrational number ले रहे हैं तो let the number be 2 - √3 and 2 + √3 right इनका product करना है तो देखिए 2 - √3 इंटू 2 + √3 अब ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर राइट तो ये क्या आएगा आंसर ए का स्क्वायर इज 4 बी का स्क्वायर √3 × √3 इज 3 तो आंसर क्या आया 1 आ गया और हमें यही बताना था कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट हमारा रैशनल आएगा दिस इज द आंसर Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.